तो दोस्तों सैंड जो एक कंस्ट्रक्शन मटेरियल का बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है, तो उसको कंस्ट्रक्शन पर्पस से यूज़ करने से पहले उसकी क्वालिटी और वो किस जोन की है वो जानना बहुत ही ज़रूरी है। नॉर्मली सैंड चार जोन में डिवाइड की जाती है, जोन वन से लेकर जोन फोर तक। जोन वन जो होता है वो कोर्स होता है और जोन फोर जो होता है उसमें सबसे फाइन सैंड होती है। तो सैंड किस जोन की है वो जानने के लिए सीव एनालिसिस टेस्ट किया जाता है। तो आइए इस वीडियो में हम देखते हैं कि कैसे सीव एनालिसिस टेस्ट करते हैं, क्या कैलकुलेशन है और कैसे जानते हैं कि ये सैंड किस जोन की है। सो माय नेम इज ध्रुव प्रजापति एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए टेस्ट शुरू करने से पहले देखते हैं कुछ अपरेटस का लिस्ट, जिसमें है सैंड सैंपल, ओवन, वेइंग स्केल एंड डिफरेंट साइज ऑफ सीव्स, जिसमें यूज होती है 4.75 mm, 2.36 mm, 1.18 mm, 600 micron, 300 micron एंड 150 micron। तो चलिए टेस्ट शुरू करते हैं अब। तो सबसे पहले सैंपल वेट से थोड़ा रफली ज़्यादा वेट लेकर सैंपल को हम ओवन में 110 डिग्री टेम्परेचर पर गर्म करेंगे, जिससे सैंड के अंदर जो मॉइस्चर होगा वो पूरी तरह से निकल जाएगा और सैंड पूरी तरह से ड्राई हो जाएगी। फिर ओवन में से निकालने के बाद सैंपल को रूम टेम्परेचर पर रखा जाता है ठंडा होने के लिए। अब हम सभी सीव्स को कुछ इस तरह से इसी ऑर्डर में ऊपर से नीचे तक सेट करेंगे और सबसे नीचे हम पैन को रखेंगे। यहाँ पे हम 1 kg सैंपल का टेस्ट करने वाले हैं। तो पहले हमने जो ओवन में सैंपल को ड्राई किया था उस ओवन ड्राई सैंपल में से 1 kg सैंपल वेट करके उसको अलग करेंगे टेस्ट करने के लिए। तो अब हम 1 kg ड्राइड सैंपल को सबसे ऊपर वाली सीव्स के ऊपर डालेंगे और सभी सीव्स को एक साथ अच्छे से सेक करेंगे। यहाँ पे हम मैन्युअली हाथों से सेक कर रहे हैं। सेक करते वक्त एक बात ध्यान में रखना ज़रूरी है कि सीव्स के बाहर सैंड ना गिरे, क्योंकि बाद में कैलकुलेशन करते वक्त सही रिजल्ट हम नहीं ले पाएंगे। अच्छे से सेक हो जाने के बाद अब हम सबसे ऊपर वाली सीव में जो भी कोर्स सैंड रिटेन करती है उसको हम निकाल के उसका वेट करेंगे और वो वेट नोट डाउन कर लेंगे। अभी इसी तरह एक एक करके सभी सीव के ऊपर जितनी भी सैंड और सैंड पार्टिकल्स रिटेन करते हैं उसका हम वेट करके उसको नोट डाउन कर लेंगे। और ये प्रोसेस करते वक्त भी हम ये बात ज़रूर ध्यान में रखेंगे कि सैंड पार्टिकल्स सीव्स के बाहर ना गिर जाए, जिससे हम सही रिजल्ट दे पाए। अभी यहाँ पर हमारा टेस्ट ख़त्म हो चुका है और टेस्ट के दौरान सभी सीव्स के ऊपर जितनी भी सैंड रिटेन की हमने उसका वेट कर लिया और उसको नोट डाउन कर लिया है। तो अभी चलिए चलते हैं कैलकुलेशन की तरफ। तो चलिए अब हम यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ पर हम जानेंगे कि सैंड किस जोन की है वो किस तरह से जाना जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा है वेट ऑफ सैंपल 1000 ग्राम, यानी कि जो हमने 1 kg सैंपल से जो टेस्ट किया था वो टोटल वेट ऑफ सैंपल। और यहाँ पे जो स्पेसिफिकेशन सारा दिया हुआ है सारे जोन के लिए वो स्पेसिफिकेशन IS कोड 383-1970 के मुताबिक दिया गया है। तो पहले अभी यहाँ पे हम टेबल को समझ लेते हैं। तो यहाँ पर टेबल में सबसे पहला कॉलम है IS सीव्स। तो हमने जो टेस्ट के दौरान जितनी सीव्स है जिस ऑर्डर में रखी थी इसी ऑर्डर में यहाँ पर सारी सीव्स का नाम लिखा हुआ है। दूसरा कॉलम है वेट रिटेन इन ग्राम, तो हर एक सीव के ऊपर कितना वेट रिटेन किया था सैंड का वो यहाँ पर हमने लिखा हुआ है। अभी तीसरा कॉलम है परसेंटेज ऑफ वेट रिटेन, यानी कि जो वेट रिटेन किया था उसका टोटल क्वांटिटी ऑफ सैंपल के हिसाब से कितना परसेंटेज निकलता है वो हम यहाँ पे लिखेंगे। अब यहाँ पर है चौथा कॉलम जो है कम्युलेटिव परसेंटेज ऑफ वेट रिटेन, यानी कि जो हमने तीसरे कॉलम में परसेंटेज ऑफ वेट रिटेन निकाला था उसका हम कम्युलेटिव कैलकुलेट करके अब चौथे कॉलम में लिखेंगे। और पांचवा कॉलम है परसेंटेज पासिंग, यानी कि हर एक सीव में से टोटल कितनी सैंड पास हुई थी। तो ये निकालने के लिए हम 100 माइनस कम्युलेटिव परसेंटेज ऑफ वेट रिटेन जो हमने यहाँ पे जो निकाला था उसको हम माइनस करेंगे 100 में से, तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा परसेंटेज ऑफ पासिंग।
यहाँ पर है आखिरी के चार कॉलम जिसमें चारों जोन की एक रेंज वैल्यू दी गई है और ये रेंज वैल्यू हमने IS कोड 383-1970 के हिसाब से ली है। ये रेंज वैल्यू के हिसाब से हम डिसाइड करेंगे कि सेंड कौन से जोन की है। इसके लिए हम देखेंगे परसेंटेज पासिंग, यानी कि हर एक सीव में से कितना परसेंटेज पास होता है और वो वैल्यू कौन से जोन की रेंज में आती है, उस हिसाब से डिसाइड करेंगे कि ये सेंड इस जोन की है। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। तो यहाँ पे हम पहले सबसे पहले निकालेंगे परसेंटेज वेट रिटेन। तो वो हम कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे है इसका इक्वेशन परसेंटेज ऑफ रिटेन वेट। तो वेट रिटेन डिवाइड बाई वेट ऑफ सैंपल इंटू 100, यानी कि किसी एक पर्टिकुलर सीव के ऊपर कितनी सेंड रिटेन की थी वो वेट डिवाइड बाय हमारा जो टोटल सैंपल वेट था वो हम लिखेंगे इनटू 100, जिससे हमें मिल जाएगा परसेंटेज। तो यहाँ पे देखते हैं पहले एक एग्जांपल से कि 4.75 mm में 12 ग्राम सेंड रिटेन की थी। तो यहाँ पे हम वेट ऑफ रिटेन में लिखेंगे 12 ग्राम डिवाइड बाई वेट ऑफ सैंपल जो था हमारा 1000 ग्राम। तो 12 डिवाइड बाई 1000 इंटू 100, तो हमारा परसेंटेज निकल के आएगा 1.2%। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 4.75 mm सीव के ऊपर कितना वेट रिटेन किया, तो वो है 1.2% वेट। अब हम इसी तरह बाकी की जो सारी सीव्स है उसमें जो वेट रिटेन है वो वेट को इसी इक्वेशन में डाल के टोटल वेट से डिवाइड करके उसका परसेंटेज निकालेंगे और वो वैल्यू यहाँ पे लिख देंगे। तो अब हम आते हैं चौथे कॉलम पे जो है कम्युलेटिव परसेंटेज ऑफ वेट रिटेन। तो इसमें क्या होता है कि ये जो परसेंटेज ऑफ वेट रिटेन था उसमें हम एक एक करके सभी सीव्स के जो परसेंटेज वेट रिटेन है उसको ऐड करते जाएंगे। तो ये यहाँ पे जैसे है 1.2%, तो इसमें हम यहाँ पे ऐड करेंगे 2.36 mm वाली सीव्स में जो परसेंटेज है उसको ऐड करेंगे तो टोटल हो जाएगा 3.35 mm। अब उसमें जो नेक्स्ट परसेंटेज है जो है 14.5%, अब उसको ऐड करेंगे तो टोटल हो जाएगा 17.4%। इसी तरह बाकी की वैल्यूज़ को भी हम वन बाय वन करके उसमें ऐड करते जाएंगे और टोटल वैल्यू जो मिलेगी उसको हम उसके सामने लिखते जाएंगे। फिर आता है फिफ्थ कॉलम पे, तो ये है परसेंटेज पासिंग, यानी कि हर एक सीव में से कितनी सेंड पास हुई है और टोटल वेट का वो कितना परसेंटेज है। तो वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे डायरेक्ट इक्वेशन है कि 100 माइनस कम्युलेटिव परसेंटेज ऑफ वेट रिटेन, इसको हम 100 में से माइनस करेंगे तो हमें डायरेक्ट वैल्यू मिल जाएगी कि हर एक सीव में से कितनी सेंड पास हुई है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कि 100 माइनस हम 1.2 करेंगे तो इसका आंसर आएगा 98.8%। तो इसका मतलब हुआ कि 4.75 mm वाली जो सीव है उसमें से 98.8% सेंड पास हो चुकी है। इसी तरह बाकी के वैल्यू भी हम 100 में से माइनस करेंगे और जो जो वैल्यू हमें मिलेंगी उसको हम इसके आगे लिखते जाएंगे और सभी का यही मतलब है कि वो वाली सीव में से इतना परसेंट सेंड पास हुई है। गया हमारा परसेंटेज पासिंग और हमें सभी सीव्स की परसेंटेज पासिंग वैल्यू भी मिल गई है। तो अब देखेंगे कि ये वैल्यू किस जोन की रेंज में आती है और उससे हम डिसाइड करेंगे कि ये सेंड किस जोन की है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे सबसे पहले ये है 98.8% पासिंग वैल्यू। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जैसे इस सभी जोन की रेंज में आ रही है। तो हम दूसरी वैल्यू चेक करेंगे, वो है 96.65%। तो वो भी हम देख पा रहे हैं जैसे ये सभी जोन के रेंज में आती है। तो अब हम आते हैं तीसरी वैल्यू पे, तीसरी वैल्यू है 82.60 पासिंग परसेंटेज, ठीक है। तो वो हम देख पा रहे हैं ये भी सभी जोन के रेंज में आ रही है। तो देखते हैं चौथी वैल्यू जो है 600 माइक्रोन सीव में से पासिंग परसेंटेज, तो वो है 51.10%। अभी आप देख पा रहे हो कि 51.10% वो किसी एक ही पर्टिकुलर जोन की रेंज में आ रहा है। तो चलिए अभी पहले आगे देख लेते हैं कि ये है फिफ्थ वैल्यू, फिफ्थ वैल्यू है 10.2%। तो वो भी आप देख पा रहे हो कि सभी जोन की रेंज में आ रहा है। और आखिरी वैल्यू है 1.55%, तो वो भी आप देख सकते हो कि सभी जोन की रेंज में आ रही है। तो अभी हमने जैसे देखा है कि हमें सिर्फ एक ही ऐसी वैल्यू मिली जो किसी एक पर्टिकुलर रेंज में आती हो, तो वो है 51.10% वैल्यू जो 600 माइक्रोन सीव में से पासिंग परसेंटेज है। और ये वैल्यू जोन 2 की जो रेंज है 35 से लेकर 59 तक इसमें आती है। तो अब हम कह सकते हैं कि हमारी जो सेंड है वो जोन 2 की है। और यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो किसी एक पर्टिकुलर सीव के लिए सभी जोन की वैल्यूज़ जो रेंज वैल्यू है वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो रही है। सिर्फ आप एक ही सीव है जो है 600 माइक्रोन वाली, उसमें आप देख पाओगे कि इसकी जो रेंज वैल्यू है एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं कर रही है। तो हम 600 माइक्रोन की सीव में से जो पासिंग परसेंटेज वैल्यू हमें मिलती है उसी के ऊपर से हम किस जोन की सेंड है वो डिसाइड कर पाएंगे।
दोस्तों सैंड किस जॉन की है वो जानने के बाद अब हम देखते हैं फाइनेस मॉड्यूलस ऑफ सैंड। तो फाइनेस मॉड्यूलस ऑफ सैंड का इक्वेशन है टोटल कम्युलेटिव परसेंटेज ऑफ रिटेन वेट डिवाइड बाय 100। यानी कि हमने यहाँ पर जो टोटल कम्युलेटिव परसेंटेज ऑफ रिटेन वेट ढूंढा था उसका हम टोटल करेंगे और उसको 100 से डिवाइड करेंगे। तो वो टोटल था 259.2 डिवाइड बाय 100। तो हमें मिलता है हमारा फाइनेस मॉड्यूलस ऑफ सैंड 2.59। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग नॉक नॉक सिविल। कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड प्रेस सब्सक्राइब बटन।